गुड मॉर्निंग एवरीवन। इससे पहले वाली क्लास में हमने मानव कंकाल तंत्र में अक्षीय यानी एक्जिल स्केलेटन और अनुबंधी कंकाल तंत्र यानी अपेंडिकुलर स्केलेटन को पढ़ा था, और अक्षीय कंकाल तंत्र में यानी एक्सिल स्केलेटन में आपके चार पार्ट्स उसके अंदर थे। सबसे पहला था करोटी स्कल, उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम कशेरुक दंड, थर्ड में आपकी रिब्स यानी पसलियाँ, और जो फोर्थ पार्ट था उसका वो था स्टर्नम उरोस्थी। आज हम सबसे पहले आपको स्कल यानी करोटी के बारे में बताएंगे। देखिए, जो मानव करोटी है इसके अंदर 29 बोन्स होती है। कितनी बोन्स होती है? 29। 29 अस्थियाँ मानव की करोटी यानी खोपड़ी में पाई जाती है। यहाँ कुछ तो डायग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं, एक फ्रंट साइड से है और एक आपका साइड पोज है। देखिए, यहाँ 8 तो कपाल अस्थियाँ होती हैं। 8 कपाल अस्थियाँ यानी क्रेनियल बोन्स। सबसे पहले आपकी हम वैसे दिखा दें आपको प्रैक्टिकली, तो आपकी जो सामने बिल्कुल जो है ये है फ्रंटल बोन। कौन सी है? फ्रंटल। और सबसे पीछे है ऑक्सीपिटल। ठीक है, सबसे पहले आगे की तरफ फ्रंटल और सबसे पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल। ओके, उसके बाद ये दोनों साइड आपके जो है ये आपकी होती है टेम्पोरल। कैसी होती है? टेम्पोरल। दो टेम्पोरल हैं और इनसे ऊपर आपकी दो है पेराइटल। ठीक, तो फ्रंटल, दो पेराइटल, दो टेम्पोरल, एक ऑक्सीपिटल, और ये जो आपका साइड है एक स्फिनोइड और एक एथेमोइड। ओके, तो आपकी 8 कपालीय अस्थियां हैं। नंबर 1 आपकी फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, एथेमोइड और स्फिनोइड। ओके, यहां ये फ्रंटल सिंगल है, स्फिनोइड भी सिंगल है, एथेमोइड भी सिंगल है। ठीक है, पेराइटल 2 है, टेम्पोरल 2 है, ऑक्सीपिटल सिंगल है। तो हाउ मेनी क्रेनियल बोन्स फाउंड इन ह्यूमन स्कल, कितनी कपाल अस्थियां मानव की खोपड़ी में करोटी में पाई जाती हैं? तो हम देखें यहाँ पर 8 हमें दिखाई दे रही है। कौन कौन सी है? एक तो फ्रंटल। कौन सी है? फ्रंटल। दूसरी स्फिनोइड, स्फिनोइड, एथेमोइड, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल और ये पेराइटल। ठीक है, उसके बाद आपकी 14 जो है फेशियल बोन्स होती है, जो चेहरे पर है। देखिए, आपका जो चेहरा है इसमें आपको ऊपर की जो ललाट वगैरह ये तो क्रेनियल्स में आ गई। ठीक है ना, अब हम देखें तो ये जो चिक्स पर आपको दो उभार दिखाई दे, ये जाइगोमेटिक है। कौन सी बोन है? ये जाइगोमेटिक। ओके, इसके नीचे जबड़े हैं, ऊपरी जबड़ा दो भागों में है, ये मैक्सिला। ये क्या है? राइट एंड लेफ्ट टू सेपरेटेड पोर्शन में ये क्या है? डिवाइडेड है। मैक्सिला, दो मैक्सिला है, राइट एंड लेफ्ट। ओके, उसके बाद मैंडिबल एक ही है, निचला जबड़ा। ओके, उसके बाद ये जो आपकी मतलब नासास्थि और आँख, तो जो आँख है इस पिक के पास जो आपकी दिख रही है लैक्रिमल होती है। क्या होती है? नेत्रकोटर लैक्रिमल। ओके, और नासास्थि जो है उसके अंदर आपको सबसे आगे जो दिखाई दे रही है ये होती है बोमर। कौन सी होती है? ये बोमर। और जो ऊपर जो है वो नोजल, साइड में जो यहाँ पर है होती है वो इन्फीरियल नोजल कौनचा। ओके, और दो और होती है पैलेंटाइन। ठीक, जो आपको ये वाले डायग्राम जो है उसमें दिखाई दे रही है, सबसे पहले लैक्रिमल जो आपकी आँखों के पास में है। क्या है? लैक्रिमल। ये दोनों लैक्रिमल, ठीक है ना। उसके बाद नोजल, ये जाइगोमेटिक, नीचे की तरफ मतलब
ऊपर की तरफ जायगोमेटिक होती है, आप देखें तो देखें आप यहाँ से, तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये मैक्सिला है। क्या है ये? मैक्सिला। मैक्सिला दो है, जायगोमेटिक दो है, नोजल दो है, लैक्रिमल दो है, पैलेंटाइन दो है। ये पैलेंटाइन है दो, जो बोमर के दोनों तरफ राइट एंड लेफ्ट पैलेंटाइन बोन क्या है प्रेजेंट आपको दिखाई दे रही है ना, ये बोमर है, बीच में बोमर एक है। और जो मैंडिबल होता है निचला जबड़ा, ये मैंडिबल है, ये एक है। तो दो लैक्रिमल, दो नोजल, दो जायगोमेटिक, दो पैलेंटाइन, दो इन्फीरियर कौनचा, नोजल कौनचा, ये जो साइड में है, ये जो साइड में, ये दोनों साइड में जो है लेफ्ट एंड राइट, ये क्या है? इन्फीरियर नोजल कौनचा, ठीक है। और ये बीचों बीच आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है? बोमर। क्या है? बोमर। तो बोमर एक, इन्फीरियर नोजल कौनचा दो, पैलेंटाइन दो, जायगोमेटिक दो, नोजल बोन्स दो, लैक्रिमल्स दो, मैक्सिला दो और मैंडिबल एक। तो टोटल कितनी हो गई? ये 14 फेशियल बोन्स आपको दिखाई दे रही है इस वाले डायग्राम में। ये सब चेहरे की अस्थियां हैं। कौन सी अस्थियां हैं? चेहरे की अस्थियां। नाम दोबारा से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आपको खाली जो जगह दिख रही है कितनी है? 14 आपकी चेहरे की अस्थियाँ हैं, चेहरे की अस्थियाँ, ठीक है ना। फेशियल बोन्स, जो आपको यहाँ पर हम क्या दिखाई दे रही है सामने के सामने, ऊपर तो ये आपका जो फ्रंटल है, फ्रंटल लोब्स, ओके। यहाँ पर आप देखें तो जायगोमेटिक यहाँ भी आपको दिखाई दे रही है, ये साइड पोज है। उसी तरह से आपका जो दूसरा साइड है वहाँ पर एक जायगोमेटिक है। निचली तरफ मैक्सिला दिखाई दे रहा है, ये साइड पोज है, तो इस तरफ का है तो उस तरफ का भी आपको दिखाई दे रहा है। मैक्सिला कितने होते हैं? दो होते हैं। नोजल दो है, यहाँ पर ये पैलेंटाइन है, ये दो है। बोमर बीचों बीच है, वो एक है। इन्फीरियर नोजल कौनचा है, वो दो है। जो उस वाले डायग्राम में आपको ज़्यादा अच्छी तरह आप देख पा रहे हैं। मैंडिबल जो निचला जबड़ा है वो एक ही होता है। ये क्या है? एक्चुअली जो आपका जो जबड़ा है, आप यदि सोचते हैं कि वो गति ऐसे करता होगा तो आप गलत सोचते हैं। आप देखें वो गति इस तरह से नहीं करता, वो ऐसे करता है। यानी केवल निचला जबड़ा ही गतिशील होता है, ऊपरी जबड़ा तो क्या होता है? स्टेबल होता है। और निचला जबड़ा ही ऊपर नीचे की ओर चलता है, जिस पर जो दांत होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं। और किस प्रकार से डेंटिशन होता है? ये डेंटिशन कहता है थैकोडोंट। ये जो डेंटिशन है मानव के अंदर पाया जाता है, इसको बोलते हैं थैकोडोंट, गर्त दंती। चूँकि गहराई में जो जबड़े की जो गर्त होती है उनके अंदर गहराई में ये दांत आपके धंसे हुए होते हैं, ओके। तो इस तरह से ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक ऑक्सीपिटल कोंडाइल भी है जिनकी सहायता से आपका कशेरुक दंड इससे जुड़ा रहता है। ये हायोइड बोन्स है, कंठास्थि, युवा आकार की दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम हायोइड बोन को थोड़ी देर के लिए हटाते हैं, चलो ये हायोइड बोन यहाँ पर ने इंडिकेट कर दी है, ओके। ये हो गई आपकी हायोइड बोन, यहाँ हो गई। तो ये जो ऑक्सीपिटल कोंडाइल है, यहाँ पर आपके क्या रीढ़ की हड्डी में जो कशेरुक दंड है वो यहाँ से सेपरेटेड जुड़े रहते हैं। ये ग्रीवा कशेरुक आपके हो गए हैं। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो कशेरुक पढ़ेंगे। इसके बाद एटलास, एक्सिस, इस तरह से आपके सात ग्रीवा कशेरुक होते हैं। सेवन जो आपके ग्रीवा सर्विकल वर्टिब्रेट्स होते हैं। उसके बाद आपके थोरेसिक बक्षीय कशेरुक, उसके बाद आपके लंबर फाइव एंड सैक्रल और कॉक्सिल, या आपके त्रिक और अनुत्रिक, आपके जो एक एक आपके कशेरुक हैं वो हैं। तो 26 आपके अंदर कशेरुक उपस्थित होते हैं, कशेरुक दंड के अंदर। सात ग्रीवा क्षेत्र में, 12 बक्षीय क्षेत्र में, 5 कटी क्षेत्र में और एक त्रिक और एक अनुत्रिक, ओके। फ्रंटल और साइड पोस्ट दोनों ही आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, किसके? करोटी के। समझ में आ गया होगा आपको करोटी, ठीक है। तो देखिए मानव करोटी एक बार फिर से देख लीजिए डायग्राम। फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, स्फिनोइड, एथेमोइड, ये सब क्या है? कपाल अस्थियां हैं। उसके बाद चेहरे की अस्थियां कौन कौन सी है? लैक्रिमल दो, नोजल दो, जायगोमेटिक दो, पैलेंटाइन दो, इन्फीरियर नोजल कौनचा दो, बोमर एक, मैक्सिला दो और मैंडिबल एक, ओके। और तीन तीन आपकी कर्ण अस्थियाँ होती हैं, तीन तीन आपकी कर्ण अस्थियाँ होती हैं। तो यहाँ आपको हम करोटी के बारे में, ये तो डायग्राम था,
बताते हैं। तो ये करोटी आपकी हो गई, स्कल। इसके अंदर सबसे पहले क्रैनियल, बोन्स, कपाल अस्थियां, आठ होती हैं। कौन कौन सी देखते हैं। नंबर वन आपकी है फ्रंटल, सिंगल होती है। उसके बाद ऑक्सीपिटल, सिंगल होती है। उसके बाद एथेमोइड, सिंगल होती है। उसके बाद स्फिनोइड, ये भी आपकी सिंगल होती है। उसके बाद पेराइटल, ये दो हैं। उसके बाद टेम्पोरल, ये भी दो हैं। तो ये आपकी कंप्लीट जो बोन्स आपको दिखाई दे रही है, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, एथेमोइड, स्पिनोइड, पेराइटल, टेम्पोरल। तो टेम्पोरल और पेराइटल कितनी होगी, चार। और चार आठ आपकी कितनी है, कपाल अस्थियाँ उपस्थित हैं। इसके बाद हम आते हैं नंबर जो दो है आपका, चेहरे की अस्थियाँ। कौन सी अस्थियाँ, चेहरे की अस्थियाँ। ये तो है क्रैनियल बोन्स। अब फेशियल बोन्स, कौन कौन सी देखते हैं हम। 14 है चेहरे की अस्थियां। दिखाई भी दे रही है सामने आपको। सबसे पहले है लैक्रिमल, ठीक है, दो है। लैक्रिमल मतलब ये जो नेत्र कोटर के आसपास है ना। उसके बाद नोजल, इन्फीरियर, ये दोनों साइड जो आपकी होती है, इन्फीरियर नोजल कॉन्चा। ये भी दो है। अच्छा, ये नोजल के जस्ट नीचे एक आपकी बोमर है, ये बिल्कुल देखिए, ये नोजल हो गई और नोजल के जस्ट नीचे लंबी आपको बीचों बीच नाक की जो सीध में होती है, ये बोमर। ज़्यादातर जो फ्रैक्चर होता है नाक की अस्थि में, बोमर में ही होता है, यानी बोमर वाली जो, ये बोमर जो बोन है यही टूटती है ज़्यादातर आपकी। ओके, बोमर कितनी है, सिंगल है। देखिए ये तो आपकी हो गई लैक्रिमल जो नेत्र कोटर की, नोजल, इन्फीरियर, बोमर, ये सब किसके अंदर है, आपकी नाक के अंदर है। ये पैलेंटाइन, ये पैलेंटाइन कौन सी होती है, ये देखो, ये जो बोमर के दोनों तरफ स्थित है ना, ये पैलेंटाइन है। ये भी कितनी होती है, दो होती है। उसके बाद जायगोमेटिक, ये चिक्स पर उपस्थित है दोनों, ये आपके जो आगे के जो हिस्से होते हैं उभरे हुए, जस्ट आपकी लैक्रिमल के नीचे की ओर, ये जो आपको कई व्यक्तियों के अंदर कुछ ज़्यादा उभरे होते हैं, ये जायगोमेटिक होती है। कौन सी होती है, ये जायगोमेटिक, जायगोमेटिक, ये भी दो है। फिर आपका ऊपरी जबड़ा है मैक्सिला, ये ऊपरी जबड़ा, ये वाला, ये खाली हिस्सा है, ये क्या है, खाली हिस्सा है, फिर मांसपेशियां वगैरह इसको ज्वाइंट कर देती है, ये मैक्सिला हो गया। इसके अंदर दो अस्थि है, ये देखिए, ये वाला आपका कौन सा साइड हो गया, राइट साइड, और ये वाला लेफ्ट साइड। उसके बाद मैंडिबल, निचला जबड़ा, एक मैंडिबल हो गई आपकी। तो इस प्रकार से आपकी 14 क्या है, चेहरे की अस्थियां उपस्थित होती है। इनमें से देखो, नोजल, इन्फीरियर नोजल कॉन्चा, बोमर, पैलेंटाइन, ये चार अस्थियां किसके अंदर है, ये चार अस्थियां होती है आपकी नाक के अंदर, नोज के अंदर। तो कितनी अस्थियां हैं नाक के अंदर आपकी, सात अस्थियां होती है। कौन कौन सी होती है, नोजल तो दो, इन्फीरियर नोजल कॉन्चा दो, बोमर एक, और पैलेंटाइन दो। तो दो तीन छः और एक
सात अस्थियाँ होती है आपकी, किसके अंदर, नाक के अंदर, ठीक है। ये जो गाल वाली जो अस्थियाँ हैं आपकी, एक तो ये मैक्सिला और जाइगोमेटिक, फिर लैक्रिमल आँखों की, और जो आपका निचला जबड़ा है वो आपका होता है मैंडिबल। तो ये चेहरे की अस्थियाँ भी आपकी समाप्त होती है, 14 आपकी चेहरे की अस्थियाँ होती है। और जो हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है वो होती है कर्ण अस्थियाँ, जो बाह्य जो कर्ण गुहा होती है अपनी उसके अंदर उपस्थित होती है। अंतःकर्ण गुहा जो है उसके अंदर आपकी तीन प्रकार की जो आपकी कर्ण अस्थियाँ उपस्थित होती है, कौन कौन सी होती है देखते हैं हम। ईयर बोन्स या कर्ण अस्थियाँ, नंबर वन मेलियस, इनकस और नंबर तीन स्टेपिज। दो दो हैं क्योंकि राइट लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ है, तो कितनी हो गई आपकी छः। छः कितनी होती है आपकी ईयर बोन्स, और एक जस्ट बिल्कुल नीचे आपकी कंठास्थी होती है। तो 8, 14, 6 और एक कंठास्थी, इस प्रकार से आपकी 29 अस्थियां आपकी करोटी के अंदर पाई जाती है। ओके, तो इसी के साथ आपकी जो करोटी है, मानव करोटी है, उसकी जो संरचना है हमने चित्र के माध्यम से और उनकी जो अस्थियाँ उपस्थित थी वो भी हमने आपको समझा दी है। ये टॉपिक होता है हमारा समाप्त। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।